यशोधरा नगर पुलिस ने मंगलवार को गश्त के दौरान अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 3 शराब विक्रेताओं को गिरफ्तार किया। उनसे 62,240 रुपए का माल जब्त किया। पकड़े गए आरोपियों में गुलशन नगर निवासी कृष्णा कन्हैयालाल लिंजी, संजय गांधी नगर निवासी चंद्रशेखर रामभाव चिकाटी और बिना के मंगलवारी निवासी सावित्रीबाई जागो पराती का समावेश है। दोपहर लगभग 1 बजे के दौरान पुलिस ने राकेश मोबाइल शॉपी के पास जाल बिछाकर कृष्णा को दबोचा। उसके पास प्लास्टिक की डबकी में 20 लीटर महुआ शराब बरामद हुई। इसी दौरान जानकारी मिली कि संजय गांधीनगर में रहने वाले चंद्रशेखर अपने घर से शराब बेच रहा है। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर 60 लीटर महुआ शराब बरामद की। बिना की मंगलवारी परिसर में एक महिला द्वारा शराब बेचे जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस सावित्री के घर पहुंची। वहां से 48 बोतल देसी शराब जब्त की गई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दारूबंदी के कानून तहत मामला दर्ज किया गया। डीसीपी नीलोत्पल, एसीपी पंडित और इंस्पेक्टर अशोक मेश्राम के मार्गदर्शन में पीएसआई जितेंद्र भार्गव, एएसआई विनोद सोलव, अक्षय सोरदे, विशाल साखरे और किशोर धोटे ने कार्रवाई की। त्यामध्ये असं आहे की आम्हाला गुप्त बातमीवरून माहिती मिळाली की पोळा मैदान बिनाकी मंगळवारी या एरियामध्ये काही इसम जे आहे लपून छपून दारूचा व्यवसाय करतो आहे, तर त्यावरून आम्ही त्याची खात्री केली आणि त्या ठिकाणी डीबी पथकं पाठवून त्या ठिकाणी सापळा रचला आणि त्यांना सीतापीने पकडलं। त्यामध्ये एकाकडे आम्हाला 48 इंग्लिश म्हणजे फॉरेन कंट्रीच्या बॉटल मिळाल्या, त्यामध्ये दुसऱ्या याच्यामध्ये 130 लिटर महापोलीची दारू मिळाली व इतर ठिकाणी इतर कंट्री मेडच्या दारूच्या बॉटल्या मिळाल्या। असा एकूण त्यांच्या वाहनासह 62,240 रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही जप्त केला आहे। यामध्ये 3 आरोपींना अटक केलेली आहे आणि या तिन्ही आरोपीवर अगोदरसुद्धा आम्ही कारवाई केलेली आहे आणि तिन्ही आरोपींना अटक करून आता पुढील त्यांच्याकडनं पुन्हा काय काय सीज करता येईल या दृष्टीने पुढील तपास करीत आहोत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, बीसीएन न्यूज नागपूर।